नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचारा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते खबरों का सिलसिला। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले कोरोना अपडेट। कभी कम कभी ज्यादा कोरोना के मामले रोज ही नए नए देखने को मिल रहे हैं। आज भी कोरोना के कुछ नए मामले सामने आए हैं जिसमें लोग कोरोना की चपेट में आए। कन्नौज जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी अच्छा है। आज जनपद में रिकॉर्ड 19 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नए मरीजों में सर्वाधिक 8 जलालाबाद के एक ही घर से हैं। सदर ब्लॉक में 6 मरीज सामने आए हैं, जबकि छिबरामऊ और तिरवा क्षेत्र से 2-2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर केसी राय ने इन नए मामलों की पुष्टि की है। सभी मरीजों को कोविड अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। अब जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 81 हो गई है। हालांकि प्रशासन इस बात की उम्मीद कर रहा है कि अगले 55 घंटे के लॉकडाउन से यह आंकड़ा कुछ बेहतर होगा। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के दिन पर दिन बढ़ रहे मामलों को देखते हुए शासन ने शनिवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। ऐसे में शहर का पूरा बाजार बंद रखने के साथ ही लोगों से घरों से बाहर ना निकलने का आह्वान किया गया। इसके बाद भी सुबह होते ही लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए। पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए लाठियां पटक कर ऐसे लोगों को खदेड़ दिया। दोपहर बाद डीएम, एसपी, एएसपी और एडीएम ने भी शहर का भ्रमण कर लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आने जाने वालों को रोककर उन्हें घर में रहने की हिदायत दी। दोपहर बाद डीएम राकेश कुमार मिश्रा, एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, एडीएम गजेंद्र सिंह, एएसपी विनोद कुमार पुलिस फोर्स के साथ शहर का भ्रमण करते हुए पहुंचे। रास्ते में जो भी मिला उसे कड़ी हिदायत देकर घर में रहने की चेतावनी दी। उधर कोतवाल शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने भी पूरे दिन पुलिस बल के साथ शहर में भ्रमण किया। शहर में कई जगह सार्वजनिक स्थानों पर पिकेट ड्यूटी भी लगाई गई। तो पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। कन्नौज के एक गांव के एक परिवार की 7वीं कक्षा के छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 3 दिन पहले छात्रा घर का सामान लेकर परचून की दुकान से वापस लौट रही थी, तभी कामांगत युवक ने उसे दबोच लिया और असमत लूट ली। मायने के लेडीज पुलिस धमकी दे रही थी, मारने कल पूछ कर कह रही थी, अपने मम्मी पापा की बताया कि शर्म नहीं तुझे आती, अपने मम्मी पापा को बताया। हमने अपने मम्मी पापा को बताया, फिर वहाँ गया, उसने मारा भी है और कभी पटा लिया, पटा से फिर पटा मिला नहीं, डंडा ले आया और डंडा से फिर मारा। कौन लोग थे जिसने मारा था? पुलिस लेडीज। क्यों मार रहे थे, क्या कह रहे थे मारते हुए? मुकदमा वापस करने के लिए कि हुआ नहीं था। परिजन न्याय के लिए उसे लेकर कोतवाली पहुंच गए। पीड़िता के पिता का कहना है कि पहले पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, उल्टा थप्पड़ मारकर भगा दिया। पीड़िता ने पुलिस पर धमकाने और समझौते के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। कोतवाली गए थे तब अपने कहते 12 बजे रात की लिखाई और फिर कल लगे सवेरे आना, सवेरे गया तब कल लगे सवेरे तो कल लगे अपने कहते ना ये दरोगा साहब ले गया आई जाए, उन्हें फोन करते करते वही गए कम से कम 3 घंटा हो गया। अब भैया 4 बजे गए तब के बाद में यहाँ भाई हड़काव लुटकून लगे, कल लगे समझौता कर लो, कल लगे मुंजिम बुलाओ, तब मुंजिम बुला गो। किसने मारपीट की? इंस्पेक्टर साहब। क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कल लगे हम तुम्हारे काम थोड़े करेंगे, हम सबको काम करेंगे, हम तुम्हारे काम थोड़े ले बैठे रहेंगे और तुम्हारी थोड़े लिखेंगे, सब काम है मैं और मुंजिम कल लगे आई जाए सामने तब हम करेंगे मुंजिम का महीना भर पकड़े रहेंगे, महीना भर हम दौड़ेंगे। हमारी बिटिया दाल लेने गई थी और उनको पास पुराना घर रहता है तो हमारी बिटिया उन्होंने पकड़ को खींच लिया, अंदर कर लिया, कुंडी लगा ली और फिर हमारी बिटिया को गूंजा लगा लिया, गलत काम किया। हमारी बिटिया घर आई, फिर घर हम थमसे बत हम नहाते नहीं खेत में आते, हम सब कोई हमारे लड़का कम काम करते थे और फिर हम आए घर खेत बुलवाओ गो हमें, तब हम घर से आए, तब हमारी बिटिया बताओ से घर माँ बताओ से हमारे अपने भौजाई से बताओ सी, तब भौजाई फिर बुलाओ सी, तब हम आए फिर तब हम थाने थाने गए, तब मैंने कुछ भी सुनवाई नहीं कुछ भी भाई। 3 दिन बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और पीड़ित परिवार कोतवाली के सामने डटा रहा।
ये देख दुष्कर्म पीड़िता के पास मीडिया पहुंच गई। जैसे ही सारा मामला मीडिया के कैमरे में कैद हुआ, वैसे ही आनन फानन में पुलिस ने रेप का नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। हरदोई की सुरसा पुलिस व स्वाट टीम ने प्रमुख फर्जी सचिव व उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक युवक खुद को प्रमुख सचिव बताकर सुरसा थाना प्रभारी व सेमरा चौकी प्रभारी को धमकी देकर चौकी प्रभारी से 1,00,000 रुपए मांग रहा था। पकड़े गए इस अपराधी पर प्रदेश के कई जनपदों में लगभग 14 मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरे मामले में एक आरोपी और सामने आया है, पुलिस उसकी भी पड़ताल कर रही है। ये सुरसा थाने पर इंस्पेक्टर और उसके चौकी इंचार्ज के पास फोन आया था एक व्यक्ति द्वारा, जिसमें उसने अपने आप को उच्च अधिकारी बताते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे पैसा लेने के लिए प्रयास किया, जिसमें शक होने पे तुरंत उसके खिलाफ पंजीकृत कराने के बाद पाया गया कि इसने पहले भी इस प्रकार की धोखाधड़ी पूरे प्रदेश में की, जिसमें इसने कई COG नंबर पे कॉल करके पैसा लेने की बात करी है। इसके द्वारा जांच में पाया गया कि ये विवेक चौधरी नाम के व्यक्ति है, जिसका एक साला है वो भारतवंशी और इसके साथ गाँव का ही रहने वाला एक व्यक्ति है श्रीकांत। ये तीनों मिलकर अलग अलग अकाउंट्स में विभिन्न पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से पैसा लेने के लिए प्रयास करते थे, जिसमें पूर्व में किसी एक मामले दो मामले में सफल भी हुए और मथुरा में इनके खिलाफ अंदर मुकदमा भी पंजीकृत था। साथ ही अन्य जनपदों में भी इनके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत थे, लगभग 14 मुकदमे इनके खिलाफ पंजीकृत हैं। आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने स्वाट टीम की मदद से हरदोई बस अड्डा से इस अपराधी को गिरफ्तार किया। युवक ने अपना नाम विवेक चौधरी, पुत्र विजय बहादुर निवासी माधेपुर थाना बाहर जनपद आगरा बताया। इसके साथ ही इसके दो साथी भारतवंशी पुत्र संतोष निवासी नगरिया थाना पिडोरा और श्रीकांत पुत्र राम गोपाल निवासी थाना पिडोरा आगरा को गिरफ्तार किया है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्रावण के पवित्र और पावन महीने में शहर स्वच्छ हो और लोग निरोगी रहें, इस उद्देश्य के साथ हरदोई जिला प्रशासन कमर कसकर मैदान में लगातार जुटा हुआ है। इसकी वानगी उस वक्त देखने को मिलती है जब सुबह तड़के 6 बजे ही जिला अधिकारी पुलकित खरे स्वयं शहर का निरीक्षण करने निकल पड़े। गली गली और एक वार्ड से दूसरे वार्ड लगातार वो स्वच्छता अभियान की हकीकत से रूबरू हुए। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सुबह से हरदोई क्षेत्र में औचक निरीक्षण, आवास विकास कॉलोनी, लक्ष्मीपुरवा, खजांची टोला, इस तरह के कई वार्डों का ज़मीनी हकीकत देखने के लिए मेरे द्वारा करा गया है। आज एक विशेष अभियान अगले 3 दिन चलाया जा रहा है, जिसकी सभी EOs के साथ बैठक भी ली गई थी और उनको बताया गया था कि सफाई कर्मी मौके पर मिलने चाहिए। और गली गली में जाके मेरे द्वारा ये देखा गया कि नालियों की सफाई कैसे हो रही है, फॉगिंग कैसे हो रही है, वहाँ पे स्प्रे हो रहा है या नहीं हो रहा, यहाँ तक कि वार्ड में जो लोग मौजूद थे उनसे भी बात करी गई और ये समीक्षा करी गई कि पालिका का काम कैसा हो रहा है। काफ़ी जगह ये समस्या देखने में आई कि पालतू जो जानवर वहाँ पे बांधे हुए हैं, चाहे वो डेयरी के हों चाहे वो छुट्टा जानवर हों, उनकी वजह से काफ़ी गलियाँ भी गंदी पाई गई हैं और उनके द्वारा जो गोबर करा गया है उसकी सफाई नहीं हुई थी। कुछ जगह ऐसी भी पाई गई जहाँ कूड़ा समेट के रख तो दिया गया था पर उसको समय से उठाया नहीं गया था। कुछ कूड़े घर के पास भी गंदगी और पशु वहाँ पे मिले। EO को तत्काल बुलाया गया, उनको निर्देशित करा गया किस तरीके से इसको साफ सफाई करानी है। जिला अधिकारी ने मेन मार्केट और चौराहों का निरीक्षण किया तथा आला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बिना मास्क के निकलने वालों के साथ सख्ती से पेश आएं और जुर्माना जरूर करें। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साफ सफाई की व्यवस्थाएं केवल 3 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने भर इसकी निगरानी की जाएगी ताकि फैलने वाले संचारी रोगों से आम जनमानस को बचाया जा सके। तो पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद के नोडल अधिकारी डिंपल वर्मा ने जिला अधिकारी पुलकित खरे के साथ जिला महिला चिकित्सालय के व्यापक निरीक्षण के दौरान OPD, ऑपरेशन रूम, शौचालय एवं दवाओं की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। शौचालय में काफी गंदगी पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला रविंद्र सिंह को निर्देश दिए कि प्रतिदिन सभी वार्डों में चादर आदि को बदला जाए तथा शौचालय की विशेष सफाई कराई जाए। महिला चिकित्सालय में आयोजित जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के तहत लगाए गए स्टॉलों के अवलोकन के दौरान उपस्थित नर्सों आदि से टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके उपरांत नोडल अधिकारी ने जिलाधिकारी के साथ
रेलवे गंज स्थित मलिन बस्ती के सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा उपस्थित आशा वर्कर से वार्ड के लोगों की गई थर्मल स्क्रीनिंग आदि के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि कोरोना महामारी एवं संचारी रोगों को देखते हुए नियमित रूप से वार्ड वासियों की थर्मल स्क्रीनिंग करें और किसी भी कोरोना संदिग्ध की जानकारी होने पर तत्काल उसका सैंपल लेकर उसकी जाँच कराई जाए। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला अधिकारी हरदोई पुलकित खरे ने दो टूक अंदाज में शहर के अंदर चलने वाले डेयरी मालिकों को चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर वो अपनी डेयरी शहर से बाहर ले जाएं। साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को इस बारे में निर्देशित करते हुए कहा कि डेयरी मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए जाएं और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। दरअसल जिला अधिकारी आज शहर के स्वच्छता और संचारी रोग के बचाव पर किए जा रहे प्रयासों की हकीकत जानने शहर में गली गली भ्रमण कर रहे थे, लेकिन डेयरी की गंदगी जल भराव को लेकर जिलाधिकारी खासी नाराज नजर आए। एक सघन अभियान अगले 3 दिन अवैध डेयरियों के विरुद्ध चलेगा। इसमें शासन के भी कई बार निर्देश मिल चुके हैं और अगर हम संचारी रोग को देखें तो इस समय एक अभियान भी चल रहा है और बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से जो महामारी फैला रहे हैं या गंदगी फैला रहे हैं जिनकी वजह से शहर में संचारी रोग होता है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई FIR कराते हुए इनको बाहर कराने की कराई जाए। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। आप कमेंट जरूर करें और कमेंट करके आप हमें ये बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं ताकि हम उन पर अमल कर सकें। अब चलते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कानपुर में हुई घटना के बाद एक्शन में आई कन्नौज पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें शातिर अपराधियों के घरों पर बराबर दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में सौरिक पुलिस की तरफ से निरंतर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने के लिए थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह द्वारा अभियान चलाया गया। ऐसे एक वाकये में संदिग्ध व्यक्तियों की जैकिंग कर रहे नादिमऊ चौकी इंचार्ज शेखर सैनी को तालग्राम बॉर्डर पर एक युवक तेजी से बाइक पर आता हुआ दिखा। मौजूद पुलिस बल द्वारा उस व्यक्ति को रोका गया तो उसने अपना नाम शिवा, पुत्र मथुरा सिंह, निवासी विनायकपुर, थाना कल्याणपुर, जनपद कानपुर नगर बताया। पूछताछ करते हुए जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे में एक देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 290 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। जब उक्त युवक से पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ की गई तो युवक ने बताया वर्तमान में वह जिला कारागार इटावा से पेरोल पर रिहा हुआ है। उस पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, नशीले पदार्थ की तस्करी एक्ट के तहत एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस द्वारा उक्त युवक के विरुद्ध आम एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। सौरिक थाना क्षेत्र से द पंचौरा न्यूज के लिए उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज सुबह सौरिक थाना क्षेत्र के सकरावा में लाखों की संख्या में टिड्डियों ने कई ग्राम लहराती मक्का, तिली जैसी फसलों पर हमला बोलकर करीब 500-700 एकड़ की फसलों को निस्तनाबूद कर दिया। वहीं इस विपदा पर किसानों की बेचैनी बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि दैवीय आपदा कोष से कोरोना आपदा काल में किसान को किसान राहत कोष व अन्य योजनाओं के तहत कुछ राशन मुहैया कराया गया है, लेकिन किसानों की माने तो उनके लिए राशि ऊंट के मुंह में जीरा जैसे साबित हो रही है। द पंचौरा न्यूज ने जब सौरिक थाने से लगे हुए सकरावा क्षेत्र के कई ग्रामीणों से बात की तो पता लगा कि टिड्डियों का हमला सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि घरों तक पहुंच गया। घरों में लगे पपीता, तुलसी आदि छोटे वृक्षों को भी नष्ट करने का काम किया। टिड्डी की चपेट में आए सकरावा से पूर्व की तरफ करीब 20 किलोमीटर तक के सभी गाँव को भारी क्षति व नुकसान उठाना पड़ा, जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी आ गई है। सौरिक थाना क्षेत्र से द पंचौरा न्यूज के लिए उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस के लिए आज एक अच्छा दिन कहा जा सकता है क्योंकि आज 15,000 के दो इनामी बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें कि छिबरामो कोतवाली क्षेत्र के मीरापुर गड़िया गांव में 6 मई को ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी जिसमें एक युवक सुनील राजपूत घायल हुआ था। इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने एक नामजद को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद से फौजी राम मोहन व हरि ओम फरार चल रहे थे। कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास तलाशी में एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। 6 मई को ग्राम गढ़िया थाना छिबरामऊ में
एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें सुनील राजपूत घायल हुए थे, जिसमें तीन लोग उसमें वांछित थे। एक गोला को पहले गिरफ्तार किया गया था और दो लोग इसमें लगातार वांछित चल रहे थे, जिसपे 82 की कार्रवाई की गई थी और नहीं मिलने पर इनके खिलाफ 15,000 रुपये का इनाम घोषित कराया गया है, जिसमें इनकी आज गिरफ्तारी हुई है। एक राम मोहन फौजी है और दूसरा हरिओम, हरिओम के पास से एक 315 बोर का अवैध असलाहा और दो कारतूस भी बरामद किए गए हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।